कौन ठगवा नगरिया लूटला हो कौन ठगवा नगरिया लूटला हो कौन ठगवा कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, यानी कि किसी बदमाश ने शहर को लूट लिया। इस गाने को पहली बार सुनकर शायद आपको रियलाइज नहीं हुआ होगा कि ये गाना दरअसल मृत्यु पर आधारित है। यहाँ मृत्यु को एक ठग या एक चोर के रूप में दर्शाया गया है और शरीर को एक नगरिया या टाउन के रूप में दिखाया गया है। जैसे एक चोर किसी शहर से चीजें चुरा लेता है, उसी तरह मृत्यु शरीर से उसकी आत्मा छीन लेती है। गाना अंतरे में जाकर एक और मेटाफर यूज करता है। शरीर को दुल्हन और आत्मा को दूल्हा बताकर दुल्हन कहती है कि दूल्हा उससे रूठ गया है। शायद इसीलिए दूल्हा यानी आत्मा दुल्हन यानी शरीर को छोड़ के चला गया है। दुल्हन अपने सखियों को कहती है, आओ सखियों मुझे सवारो, शायद तब मेरा दूल्हा वापस आ जाए। कितना इंटरेस्टिंग है ना गाना। मृत्यु जैसे एक डार्क और सीरियस टॉपिक को इतने प्यारे मेलेडी और रिच एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया। वेल, इस गाने को लिखा गया था संत कबीर जी द्वारा कुछ 500 सालों से भी पहले, और ये कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स वाला गाना आपके लिए परफेक्ट इंट्रोडक्शन है टू द रिच कल्चर ऑफ द अवधी लैंग्वेज। अवधी ऐसी लैंग्वेज है जिसका नाम शायद आपको आज तक पता नहीं होगा, बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने इस भाषा का मजा और मैजिक दोनों सर्टनली महसूस किया होगा। अगर आपने कभी हनुमान चालीसा सुना या पढ़ा है तो आप अवधी से वाकिफ हो। अगर आपने कभी रहीम या कबीर के दोहे पढ़े तो भी आप अवधी से वाकिफ हो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कई सारे बॉलीवुड गाने भी अवधी लोकगीतों से आइदर इंस्पायर्ड हैं या अवधी शब्दों का यूज करते हैं। अवधी लैंग्वेज ने फिलॉसफी, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी, रोमांस सारे फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगान फिल्म बेस थी मध्य प्रदेश के चंपारण गांव में, बट इस फिल्म में जो सारे डायलॉग्स हैं वो सारे अवधी में हैं। एक बात आप सब लोगों का फिर से याद दिलाई दूं, ये सिर्फ खेल नहीं है जो हम किसी के मौज मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ये एक लड़ाई है जो हमको जीतनी है। बट अवधी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश से काफी दूर है। यूपी की बात छेड़ी गई है तो आई थिंक ये बोलना लाजमी है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि यूपी एक्चुअली कितना बड़ा राज्य है। 20 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट अगर अपना इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता और उस टॉप 5 में से एक इंडिया होता। देयरफॉर उत्तर प्रदेश काफी कल्चरली डाइवर्स स्टेट है। लिंग्विस्टिकली यूपी में 7 भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर में कौरवी या खड़ी बोली, जिसे हम मानक हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी भी बोलते हैं। फिर ब्रज में ब्रज भाषा, कन्नौज के इर्द गिर्द कन्नौजी। अगर हम पूरब की तरफ चलें तो पूर्वांचल, जहां भोजपुरी बोली जाती है। दक्षिण में बुंदेलखंड और बघेलखंड में बुंदेली और बघेली बोली जाती है। और मध्य अंचल में है उत्तर प्रदेश का दिल अवध, जहां अवधी बोली जाती है। अवध प्रांत में कुछ 18 जिले आते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं काफी मेजर सिटीज लाइक कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली और प्रयागराज। इस अंचल में कुल 5.5 करोड़ लोग रहते हैं। अवधी इंडिया के बाहर भी बोली जाती है। नेपाल के तराई रीजन्स में यानी कि बॉर्डर एरियाज में भी अवधी बोली जाती है। नेपाल देश में वहाँ के जो हमारे ख्याल से मुख्य भाषा में अवधी अवध नहीं, मुख्य भाषा में तो नहीं कह पा, लेकिन हमन के वहाँ देखा जी जो तराई मुल्क है, नौ प्रासी के त्रिवेणी के पच्छू वो आपके कैलाली तक इसी मुल्क के लोग हैं, वो लोग अवधी बोलते हैं। अवधी बोलते हैं। आपको शायद ये सरप्राइजिंग लगेगा बट इवन कंट्रीज लाइक फिजी, सूरीनाम और गयाना में भी अवधी स्पोकन विद अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड भोजपुरी। हम नहीं सोचता हम वोट करेगा, हमारा वोट कोई फायदा करी, गवर्नमेंट के चाहिए हम लोग के देखभाल करो और सोशल वेलफेयर सुधारो। हमारा वोट, हमारा आवाज, हमारा फिजी। आप बोलोगे ये कैसे? वेल, कॉलोनियल टाइम्स में काफी इंडेंचर्ड लेबरर्स को भेजा गया था इन देशों को टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर्स, और काफी सारे लोग तब के यूनाइटेड प्रोविंस और आज के उत्तर प्रदेश अंचल से थे, तो बस वो अपना लैंग्वेज और अपना कल्चर अभी तक कंटिन्यू किए हुए हैं।
एंड इसी वजह से आपको यहाँ पे अवधी और भोजपुरी का झलक मिलेगा। हमार सास यहाँ भी सिल लोढ़ा पर मसाला पीस के बनत रहा, हमार माई बाप यहाँ जिंदगी भर मसाला सिल लोढ़ा पीस के तरकारी बनत रहा, और वैसे ही अब हमहू सिल लोढ़ा पर पीस के मसाला तरकारी बनायला। अच्छा, अब वापस आते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आप हिंदी या इनमें से किसी भी अंचल की भाषा समझते हो तो आप आसानी से बाकी सारे भाषाएं समझ जाओगे। कारण ये है कि ये सारे भाषाएं कॉमन संस्कृत धातु रूपों का प्रयोग करते हैं। बट एक लैंग्वेज की यूनिकनेस बस उसकी वोकैबुलरी या शब्द भंडार नहीं होती, भाषा की ग्रामर और लिटरेचर भी उसे डिफाइन करती है। उदाहरण के तौर पे ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी को लेते हैं। ब्रज भाषा का सृजन शौरसेनी प्रकृत से हुआ था। शौरसेनी प्रकृत से गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और कश्मीरी ये सारे लैंग्वेजेस उत्पन्न हुए थे। भोजपुरी ऑन द अदर हैंड मगधी प्रकृत से ओरिजिनेट हुई है, जिससे बांग्ला, ओडिया और अहोमिया जन्म हुए हैं। तो इसीलिए ब्रज में आपको नॉर्थ की मिठास मिलेगी और भोजपुरी में पूरब का चटाक। और अवधी आता है इन दोनों के बीच, बोथ ज्योग्राफिकली और लिंग्विस्टिकली। अवधी का सृजन हुआ था अर्ध मगधी से, जो कि एक बहुत पुरानी प्रकृत है जो शौरसेनी और मगधी के मिश्रण से बनी थी। ब्रज भाषा एक औ कारांत प्रधान भाषा है, यानी कि यहाँ शब्दों के आखिर में औ का काफी प्रयोग होता है, जैसे कि गयो, खायो, अछो, बुरो इत्यादि। तो तुम कब आओगे को ब्रज में कहेंगे तू कब आवेगो। और अवधी एक अ कारांत प्रधान भाषा है, यानी कि वर्ड्स के एंड में अ आता है, जैसे कि छोट, बड़, खोट इत्यादि। अच्छा, अगर हम भोजपुरी और अवधी की तुलना करें तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों के वर्ब्स में काफी डिफरेंस होता है। उसने कहा उसे खाना पसंद है, इन अवधि वुड बिकम ऊ कहीस ओका खाप पसंद बा। और ये भोजपुरी में होगा ऊ कहलस उनके खाइल पसंद बा। नोटिस करो, अवधि में कहीस यूज होता है जबकि भोजपुरी में कहलस। तो ऐसे काफी सारे सटल डिफरेंसेस हैं। भाषाओं में वैसे कल्चर्स का भी बहुत डिफरेंस होता है। ब्रज फॉर एग्जाम्पल कृष्णा की नगरी है, मथुरा, आगरा ये सब यहाँ आते हैं, और इसीलिए ब्रज भाषा का यूज कृष्णा केंद्रित साहित्य के लिए काफी यूज करा गया है। ब्रज के दूसरे छोर पे आता है अवध, विच इज टेक्निकली अ करप्शन ऑफ द संस्कृत वर्ड अयोध्या, जो है श्री राम जी की जन्मभूमि। देयरफॉर काफी सारा अवधी लिटरेचर श्री राम जी पे केंद्रित है। अवध का अंचल ना काफी सारे सिविलाइजेशन के लिए एक मल्टी लेयर्ड प्लेग्राउंड है। जिस तरह इसराइल की भूमि तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज्म के लिए एक कॉमन लैंडमार्क है, उसी तरह अवध तीनों धार्मिक रिलीजन्स हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहा है। प्राचीन काल में अवध को कौशल राज्य का बेस माना जाता था, जहाँ श्री राम जी और इश्वकु राजाओं ने शासन किया था। आगे जाकर इस भूमि में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, अवध के नवाब और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके राज किया। और इसी वजह से अवधी भाषा हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के थिंकर्स, पोएट्स और फिलोसोफर्स से परिचित हुई थी। 1375 से 1700 हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ये वो टाइम था जब इंडिया में कास्ट बेस्ड रूल्स, रिचुअल्स और काफी सारे एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स को चैलेंज किया जा रहा था। मोक्ष पाने के लिए आपको किसी जाति से बिलोंग करने की जरूरत नहीं थी। भक्ति लीडर्स के मुताबिक आप स्वयं अपने इष्ट देव की आराधना करके उनके नजदीक जा सकते हैं। हुआ तो ये कि दोनों इस्लाम और हिंदुइज्म ने तब काफी सारे फिलोसफिकल एक्सप्लोरेशंस किए, और उसी टाइम पे न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट्स का ओरिजिन हो रहा था। सूफी सेंट्स फॉर एग्जांपल दोनों हिंदुइज्म और इस्लाम से इंस्पायर हो रहे थे, और ये वही टाइम था जब सिखिज्म भी ओरिजिनेट हुआ था। जब ये सब कुछ चल रहा था तब दो स्कूल्स ऑफ भक्ति बेसिकली उभर के आए, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। गुण का मतलब होता है एट्रीब्यूट या फॉर्म, तो द गॉड विद द फॉर्म एंड द गॉड विदाउट द फॉर्म। सगुण भक्ति में भगवान को एक साकार रूप में पूजा जाता है, जैसे कि कृष्णा या राम। यहाँ उनके चित्र या मूर्तियों के द्वारा भक्ति एक्सप्रेस की जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड निर्गुण भक्ति में भगवान को एक निराकार रूप में माना जाता है। उनके प्रति आप अपनी श्रद्धा ज्ञान या प्रेम के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे संत तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण रचा था, और निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे संत कबीरदास जी, जो कि जन्म तो हुए थे एक इस्लामिक फैमिली में बट वो हिंदू आइडियाज और कॉन्सेप्ट से काफी इंस्पायर हुए थे। सगुण भक्ति का ये मानना था कि निर्गुण से आप भगवान को एग्जैक्टली फील नहीं कर सकते, और निर्गुण का ये मानना था कि सगुण में काफी सारे रिचुअल्स होते हैं जो कि आपको भगवान से दूर कर देते हैं। बट इंटरेस्टिंग तो ये बात है कि दोनों विद्वानों ने अवधि में अपने थॉट्स को जाहिर किया था, और इसके कारण अवधि में काफी एक्सप्रेसिव और इंटेलेक्चुअल आइडियाज अलग अलग व्यू पॉइंट से मैनिफेस्ट हुए थे।
तुलसीदास जी फॉर एग्जाम्पल रामायण के उत्तर कांड के 111वें दोहे में ये कहते हैं, भरी लोचन बिलोकी अवधेशा तब सुनी हो निर्गुना उपदेशा। यानी कि एक बार मैं श्री राम जी को अपनी आंखों से देख लूं, तब जाके तुम्हारी निर्गुण उपदेश सुनूंगा। और फिर आरण्य कांड के 13वें दोहे में वो कहते हैं, असत अवरूप बखान उजानू फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मानू। अर्थात यद्यपि मुझे आपकी रियल आइडेंटिटी मालूम है, मुझे मालूम है कि आप इन्फिनाइट हो, आप इनडिविजिबल हो, तद्यपि मैं आपके सगुन साकार रूप से आकर्षित हूँ। और फिर कबीर जी ने अपने अंदाज में अवधि में इसका काउंटर पॉइंट भी रख दिया। उन्होंने कहा, निर्गुण राम जपहु रे भाई अविगत की गति लखी न जाई। यानी कि राम को पूजो उनके निर्गुण रूप में, जो सबको कंटेन करता है, जो सबको इनकम्पास करता है, उसको तुम क्या ही आर्टिकुलेट करोगे। अच्छा, शायद तुमको ये मालूम नहीं होगा कि कबीर जी को ना लिखना नहीं आता था, देयरफॉर उनके सारे दोहे वो बस गाते थे और बाद में उनके फॉलोअर्स ने उनको एक लिखित रूप में प्रकाशित किया। वैसे ये कोई हटके बात नहीं है, इंडिया में जीवन ना एक एक्सपीरियंशियल जर्नी है। हमारे यहाँ प्रिसाइज वर्ड्स के बजाय हम म्यूजिक, कलर्स, बॉडी लैंग्वेज, इन सब के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हम जीवन की काफी कॉम्प्लेक्स बातें हैं, जैसे मृत्यु, जैसा हमने पहले शुरुआत में देखा था, हम अपने कल्चर में बहुत सरल ढंग से एक्सप्रेस कर लेते हैं। और अवधि इसी प्रवृत्ति का, बेहद सीरियस टॉपिक्स को एक बहुत सुंदर सरल भाषा में एक्सप्रेस कर देने की प्रवृत्ति, अवधि इसी की एक प्रतीक है। अवधि भाषा में जीवन के हर पहलू को सेलिब्रेट करने के लिए कोई ना कोई रचना जरूर की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सोहर गाने से उसका वेलकम किया जाता है। आज चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट तो काफी कम है, बट बस कुछ ही दशक पहले एक बच्चे का होना एक बहुत बड़ी बात होती थी, एंड देयरफॉर हमारा कल्चर उसको सेलिब्रेट करता था। शादियों के लिए भी कई अवधि लोकगीत बने हुए हैं। टेक फॉर एग्जांपल दिस सॉन्ग व्हिच इज संग इन नेपाल। कीरे बेटे तोरा दाए जे थोरा की भैया बोले रे सियाए रे। इस गाने में पिता अपनी बेटी से पूछ रहे हैं कि बेटी क्यों रो रही हो, क्या दहेज कम पड़ गया। बेटी कहती है नहीं। पिता फिर पूछते हैं कि भाई ने कुछ बुरा भला तो नहीं कह दिया, वो फिर कहती है नहीं। नारे बाबा होरा दाएज थोरा ना भैया बोले रे सियाए रे। तब तो कहो बाबा नियरे बिया है काहे कि हो परदेश रे। बेटी आखिर में बोलती है कि आपने तो कहा था कि मुझे कहीं नजदीक भेजोगे, बट आपने तो मुझे परदेश ही भेज दिया। आप शायद एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि लाइफ की बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को अवधि ने बहुत सरल तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। इवन आम मर्रा के एंटरटेनमेंट के लिए भी अवधि में बहुत मजेदार गाने लिखे गए हैं। सिक्सटीज और सेवेंटीज में बॉलीवुड ने काफी सारे अवधि लोकगीतों को अडॉप्ट किया था, कभी कुछ बोल चेंज करके, कभी कोई ट्यून चेंज करके। किसको ये सारे गाने नहीं पता, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, या फिर होली खेले रघुबीरा। बट ये सारे गाने आज हिंदी म्यूजिक में गिने जाएंगे। अवध ने देश को बहुत कुछ दिया, बल अवध को इससे क्या मिला? क्या हम जानते हैं इस भाषा के बारे में? क्या हम में से कोई ठुमरी या दादरा के किसी परफॉर्मेंस को देखने कभी जाएगा? पद्मश्री, मालिनी अवस्थी जैसे कुछ परफॉर्मर्स हैं जो आज अवधि संस्कृति को बनाए रखे हुए हैं। जब भी वो कभी परफॉर्म करती हैं तो वो अपने ट्रेडिशनल अटायर और स्टाइल में परफॉर्म करती हैं, जिससे ऑडियंस से उनका ज्यादा कनेक्शन बना रहे और बदले में उनको बहुत सारा प्यार भी मिलता है ऑडियंस से। मगर हर आर्टिस्ट मालिनी जी जितना लकी नहीं होता। जरीन बेगम जो शिष्या हैं बेगम अख्तर की, उन्होंने अवधि गजलों में बहुत महारत हासिल की, बट वो आज अपने रियाज के अलावा हार्डली परफॉर्म करती हैं। उनके खुद के शब्दों में वो कहती हैं कि मैंने अपनी बेटियों को गजलें नहीं सिखाई, क्योंकि खुदा ना करे अगर उनको भी गजलों से प्यार हो गया तो उनकी हालत भी मेरे जैसे होगी। आज अवधि इतना पॉपुलर नहीं है जितना पहले था। औरतें आज कोई डायरीज नहीं मेंटेन करती जिसमें वो खुद के गाने लिखती हैं। आज कोई दुल्हन अपने ससुराल को उसके मायके के गाने लेके नहीं जाती। पैदल चले जब हम ना अवधि मारा बे।
बेशक हिंदी हमें अलाउ करती है एक दूसरे को समझने के लिए, बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप अपनी मातृभाषा को यूज ना करो। याद रखिए कि आपकी भाषा आपकी पहचान है, यह आपको जोड़ती है आपके पूर्वजों से, आपकी संस्कृति से, आपकी ज़मीन से और भारत से। कुछ लोग अपनी मातृभाषा बोलने से एम्बेरस फील करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये तो देहाती भाषाएं हैं, इंग्लिश और हिंदी जितनी पॉलिश नहीं लगती। ये वीडियो बनाने से पहले मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था अवधी के बारे में, बट जब मैंने अवधी की संस्कृति के बारे में जाना और पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति कितनी समृद्ध है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पूरे वीडियो में मैंने अवधी को एक भाषा बोला, बोली नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भाषा और बोली की डिफरेंस ज़्यादा पॉलिटिकल है देन एनीथिंग एल्स। अंग्रेजी में कहावत है कि अ लैंग्वेज इज अ डायलेक्ट विद एन आर्मी। एक लैंग्वेज बस कुछ शब्दों की कलेक्शन नहीं होती, लैंग्वेज एक धरोहर होती है जिसके साथ उसका इतिहास, उसकी कहानियाँ, उसके लोग, उसके बोल चलन, रहन सहन सब जुड़े होते हैं। एक लैंग्वेज को भूलना वैसा ही होता है जैसे अपनी आत्मा का एक अंश खो देना। आई होप हम सब अपनी लैंग्वेजेस को ना केवल रेस्पेक्ट करें बट हम एक दूसरे की लैंग्वेजेस के बारे में भी एक्साइटेड हों, बिकॉज आई थिंक दैट इज हाउ अ कंट्री इज बिल्ट। तो मित्रों, अगर आप सबका ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करा और हम सब मिला जाए अगले वीडियो में। अगर आप अवधि के कुछ और गानों को सुनना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ गानों की एक प्लेलिस्ट अटैच की है। Hey guys, I want to give a shout out to Amit Tripathi, one of India and Pixel's interns. He's a bright kid, just 18 years old from Delhi, and he's an amazing writer. He's responsible for the excellent script writing and research done for this video. Over the next few videos, I'll be working with other amazing interns at IIP, and I cannot wait to get more videos to you. Agar aap Indian Pixel se aur nazdeek judna chahte ho and be a part of our community, which has other like-minded people like you, then you are most welcome to join our Discord server. हम मंथली Q&As करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, डिबेट्स करेंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। इनविटेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो आई विल सी यू ओवर देयर। ऑलराइट, बाय।